एमपी विधानसभा चुनाव के हलचल के बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने राजधानी भोपाल में प्रेस वार्ता ली, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आज मैं बहुत ही संवेदनशील मामले पर अपनी बात रखना चाहती हूं। मामा का है राज, बच्चों पर गिरी गाज, ऐसी बदहाली और दुर्दशा जो इस प्रदेश में है, तो कहना पड़ेगा ऐसे मामा का राज नहीं चाहिए। आज की प्रेस वार्ता में सभी मीडिया के साथियों का स्वागत करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन है। और अच्छा लग रहा है कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतनी बौखलाहट हो रही है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कि अब वो अपना समय भी हमारी प्रेस वार्ता के समय को देखकर रख रहे हैं। ये भाजपा का डर बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करना चाहती हूँ और ये कहकर अपनी बात शुरू करूंगी कि मामा का राज, बच्चों पर गिरी गाज, मामा का राज, बच्चों पर गिरी गाज। और एक छोटी सी स्वरचित कविता है मेरी, वो सुनाकर तथ्यों के प्रांगण में आपको लेकर चलूंगी। एक बच्चा, छोटा बच्चा, आंत जिसकी पेट से चिपकी है और जीवन जिसका सस्ता है। एक बच्चा, छोटा बच्चा, एक शिक्षक का स्कूल है उसका जो जहरीला खाना परसता है। एक बच्चा, छोटा बच्चा, आंखों में जिसके सपना है पर दिन रात बाल मजदूरी करता है। एक बच्ची, छोटी बच्ची, गुड़ियों परियों की बातें करती है, 10,000 में उसकी देह की बोली लगती है। ये बच्चे, छोटे बच्चे, सूनी आंखों से मामा को तकते हैं। एक मामा, ऐसा मामा जिसके मन में कंस और शकुनी बसते हैं। तो ये सूरत हाल है मध्य प्रदेश का और ये दुर्दशा है मध्य प्रदेश में उन बच्चों की जिन्हें प्रदेश का और देश का भविष्य कहा जाता है। और ऐसी बदहाली, ऐसी दुर्दशा, ऐसा नारकीय जीवन जो बच्चों का इस प्रदेश में है, उसे देखते हुए ये कहना पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान को मामा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, लेश मात्र का अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं। ये तो स्वयं शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि कुपोषण उनके माथे का कलंक है। और मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि बच्चों के खिलाफ अपराध में उनके कार्यकाल में जो 337% का उछाल आया है, वो भी उनके माथे का कलंक है। मैं कहना चाहती हूं कि शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश का अव्वल नंबर पे होना, ये भी शिवराज सिंह चौहान के माथे का कलंक है। मैं कहना चाहती हूं कि 7 लाख से ज्यादा इस प्रदेश में बाल मजदूरों का होना, यह भी शिवराज सिंह चौहान के माथे का कलंक है। हर 3 घंटे में एक नाबालिग बच्ची का यौन शोषण होना भी शिवराज सिंह चौहान के माथे का कलंक है। और छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण होना, उनके देह के व्यापार सजना, बाजार सजना, ये शिवराज सिंह चौहान के माथे का बहुत बड़ा कलंक है। और शिवराज सिंह चौहान जी, जब कोई व्यक्ति इतना कलंकित हो जाता है ना, तो सिर्फ उसका माथा नहीं, उसका पूरा मुंह काला हो जाता है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, प्रदेश की जनता भी आपको याद दिलाने का काम करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने राजधानी भोपाल में प्रेस वार्ता ली, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।